बेरूत पर इजराइल का ये कहर टूटा है। आज सुबह हुए इस हमले से हिजबुल्ला दहल उठा है। इजराइल के इस घातक प्रहार ने हिजबुल्ला की रूह को कपा दिया है। बेरूत एयरपोर्ट के पास की ये तस्वीरें हैं। जिस समय ये धमाका हुआ उससे ठीक पहले बेरूत एयरपोर्ट पर दो अलग अलग देशों की एयरलाइंस ने एयरपोर्ट पर लैंड किया था। ब्लास्ट कितना तेज था इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट के करीब 7 किलोमीटर दूर सिनेलफिल इलाके तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। ये वीडियो सिनेलफिल से ही बनाया गया है जो कि बेरूत का सब अर्बन इलाका है। एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। जिस समय ये ब्लास्ट हो रहा था ठीक उसी समय बेरूत के आसमान में पेरिस से आ रही फ्लाइट लैंड करने वाली थी। तस्वीरों में पेरिस से आ रही फ्लाइट की तस्वीरों को देखा जा सकता है। पेरिस की फ्लाइट रनवे पर लैंड करते दिखाई देती है। एयरपोर्ट के अंदर पेरिस से आई फ्लाइट लैंड करती है। इधर एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर ब्लास्ट के बाद तबाही का गुबार उठता दिखाई देता है। आईडीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक में हिजबुल्ला को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्ला के लड़ाके आज अपने चीफ नसरल्लाह को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि नसरल्लाह को दफनाया कहां जाएगा इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्ला के फ्राइडे प्लान को जमींदोज करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली एयरक्राफ्ट ने बेरूत एयरपोर्ट के पास मिसाइल से हमला किया। इजरायली हमले से पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। आसपास पूरा इलाका तेज ब्लास्ट के साथ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इजरायल का यह हमला हिजबुल्ला पर कहर बनकर टूट रहा है। इस हमले की शुरुआत पहले हिजबुल्ला ने की। हिजबुल्ला ने पोर्ट सिटी हाइफा पर रॉकेट से हमला किया। हालांकि इस हमले में इजरायल को किसी भी तरह के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इजरायल ने इसका बदला बेरूत में हिजबुल्ला के एक बड़े ठिकाने पर मिसाइल अटैक से लिया। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत पर बमों की बारिश कर दी। बेरूत के आसमान में इजरायली बम ऐसे फट रहे थे जैसे दिवाली पर पटाखे फूटते हैं। बारिश के मौसम में बादल गरजते हैं, बिजली टूटती है। दक्षिण लेबनान के शहरों से लेकर बेरूत तक इजरायल हिजबुल्ला पर बमों की बारिश कर रहा है। दक्षिण लेबनान में इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्ला के लड़ाकों के संपूर्ण खात्मे का अभियान चला रही है। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों की पहचान कर इजरायली फोर्स उन्हें मिट्टी में मिला रही है। इजरायल की मिलिट्री खुफिया एजेंसी अमान इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। अमान के खुफिया सूचना के आधार पर इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में हिजबुल्ला के प्रमुख ठिकानों पर बम बरसाकर मटिया मेट कर दिया। इस हमले में हिजबुल्ला के वेपन प्रोडक्शन साइट, हथियारों के गोडाउन समेत दूसरे कई मिलिट्री ठिकाने भी नष्ट हो गए हैं। लेबनान पर इजरायल के हमले को देखकर दुनिया कांप उठी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी ये जंग अपने सबसे भयानक रूप में नहीं पहुंची है। इजरायल पर ईरान के हमले को 3 दिन होने वाले हैं, यानी 72 घंटे के बाद भी अभी तक इजरायल ने बदला नहीं लिया है। इजरायली हमले के डर से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को सीक्रेट जगह पर भेज दिया गया था, लेकिन खबर है कि खामेनेई आज बाहर आएंगे, ईरानी टेलीविजन पर अपना स्पीच देंगे, इजरायल के खिलाफ हमले को लेकर ईरान की जनता को संबोधित करेंगे। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से ही खामेनेई की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। नसरल्लाह पर इजराइल ने जब हमला किया था उससे ठीक पहले नसरल्लाह ने इजराइल को तबाह करने का खुला ऐलान किया था। ऐसे में नजर इस समय खामेनेई पर है। खामेनेई क्या बोलेंगे? तेहरान में आज क्या होने वाला है? क्या इजराइल आज ईरान पर बदले का वार कर सकता है? टीम न्यूज नेशन। हिजबुल्ला चीफ को जिस हमले में मारा गया था उस दिन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 27 सितंबर की यह तस्वीर बताई जा रही है, हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर के अंदर की यह तस्वीर है। हमले के बाद किस तरह के वहां पर हालात बने ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। ये देखिए,
हमले से पहले की क्या तस्वीर थी, चंद सेकंड पहले आपने देखा, और हमले के बाद वहां पर किस तरीके के हालात बने वो आपने देखे। ये हमले से पहले की तस्वीर है, चंद सेकंड पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई आपको नजर आएगी, कुछ लोगों का मूवमेंट वहां पर नजर आएगा, लेकिन चंद सेकंड के बाद ये देखिए, ये हमले से पहले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और ये हमले के वक्त की तस्वीर सीसीटीवी जो सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि 27 सितंबर का ये सीसीटीवी फुटेज है और उसी बिल्डिंग का फुटेज है जिसको आईडीएफ ने निशाना बनाया। हसन नसरल्लाह जहां पर मीटिंग करने के लिए पहुंचा था, ये उसी इमारत की तस्वीर बताई जा रही है। हमले के बाद की तस्वीर ये बता रही है कि वहां पर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आया। हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल आसमान से तो बम बरसा ही रहा है, ग्राउंड पर भी चुन चुन कर मार रहा है। इजरायली सेना लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई है। देखिए रिपोर्ट। ये इसराइल का एक्शन है। ईरान के हमले से भड़की इजरायली सेना ने लेबनान को निशाना बनाया है और जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर राजधानी बेरूत को एक बार फिर से धुआं धुआं कर दिया है। इजरायल का गुस्सा लेबनान पर फूटा। बेरूत पर 17 एयर स्ट्राइक का कहर टूटा। ईरान के मिसाइल हमले के बाद बदले की आग में जल रहे इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायली फौज ने 17 हमले किए। देखिए वीडियो। हमले के बाद शहर के बीचों बीच एक इमारत से आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। हवाई हमले के बाद आसपास के घरों और पार्क की गई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। इजरायली डिफेंस फोर्स दहीय इलाके को अभी भी टारगेट कर रही है जहां हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। हालांकि आईडीएफ ने हाल ही में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को यहाँ ढहा दिया था, लेकिन यहाँ अभी भी बमों की बौछार की जा रही है, लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। दक्षिणी उपनगरीय इलाके दही में इजरायली हमले के बाद जबरदस्त तबाही हुई है। दर्जनों इमारतें हमले में तबाह हो चुकी हैं। यहां सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। लेबनान के दही इलाके की ये तस्वीरें गाजा की याद दिला रही हैं। इजराइल ने दही इलाके के लोगों से सुरक्षित जगह चले जाने के लिए कहा है। लेबनान के दक्षिणी उपनगर के निवासियों के लिए तत्काल चेतावनी। आप हिजबुल्लाह की सुविधाओं और हितों के निकट स्थित हैं, जिसके खिलाफ आईडीएफ हमले करने वाली है। अपनी सुरक्षा और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए आपको ये इलाका खाली करना होगा और कम से कम 500 मीटर की दूरी पर रहना होगा। इजराइल ने मध्य बेरूत के बचौरा इलाके में संसद के करीब एक इमारत को निशाना बनाया। ये लेबनान की सरकार के मुख्यालय पर सबसे करीबी इजरायली हमला है। हमले के दौरान आग और धुएं का जबरदस्त गुबार नजर आया। हमले के बाद जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें क्षतिग्रस्त इमारतें नजर आ रही हैं। इमारत की एक पहली मंजिल पर आग लगी हुई है। इस हमले में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 7 लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों का पीछा कयामत तक करता है।
हमास की कमर तोड़ने के बाद अब वो हिजबुल्ला के सफाई में जुटा है। यही वजह है कि लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले के साथ साथ वो दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रहा है। देखिए कैसे दक्षिण लेबनान के गांव में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायली फौज ऑपरेशन चला रही है। जबरदस्त फायरिंग चल रही है। हिजबुल्ला आतंकियों को खोज खोज कर मारा जा रहा है। ग्राउंड एक्शन में 30 हिजबुल्ला आतंकी ढेर। ग्राउंड एक्शन के लिए इजरायल ने अपनी गोज यूनिट को मैदान में उतारा है। इस यूनिट के जवान दक्षिण लेबनान के गांव में हिजबुल्ला के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त एक्शन में है। इस यूनिट के ऑपरेशन में हिजबुल्ला के 30 आतंकियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। इजरायली सेना लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। इस ग्राउंड ऑपरेशन को इजरायल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने हिजबुल्ला के खिलाफ जंग का 4th चरण बताया है। इजरायली सेना 4th बार लेबनान की जमीन पर दाखिल हुई है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के लगभग 30 गांवों के लोगों को इलाका छोड़कर चले जाने का अल्टीमेटम दिया है। इजरायल ने ठान लिया है कि वो हिजबुल्ला का पूरी तरह से सफाया करके ही रुकेगा। इसी मकसद से एयर स्ट्राइक के साथ साथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। नजरुल्ला के खात्मे के बाद हिजबुल्ला के पास अब कोई ठोस नेतृत्व नहीं बचा है। इसी का फायदा उठाते हुए इजरायल ने डबल अटैक के प्लान पर अमल शुरू कर दिया है। इजरायली सेना खासतौर से दक्षिण लेबनान के टायर शहर को निशाना बना रही है। ऐसा क्यों है वो भी समझिए। बेरूत, त्रिपोली और सिडोन के बाद टायर लेबनान का 4th बड़ा शहर है। दक्षिण लेबनान का टायर शहर हिजबुल्ला का गढ़ कहा जाता है। यहाँ हिजबुल्ला को अपने पूरे टनल नेटवर्क से बहुत फायदा होता है। इस शहर को हिजबुल्ला की लाइफलाइन माना जाता है। यही वजह है कि इजरायल दक्षिण लेबनान में टायर शहर से हिजबुल्ला के सभी कनेक्शन को सफलतापूर्वक खत्म करने में जुटा हुआ है।